हेलो फ्रेंड्स स्वागत करती हूँ आपका आप अपने इस चैनल पर एजुकेशनल एम्पायर पर तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए जॉन किड्स के, के कुछ एम सी क्यूस क्वेश्चन लेकर आए हैं इसका बायोग्राफी हमने आपको पहले करा दी थी एक वीडियो में जिसने वो वीडियो नहीं देखा है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है कृपया वहाँ जाकर देख सकते हैं और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन जॉन किड्स टाइड एट द एज ऑफ जॉन किड्स कितनी साल की उम्र में डाइड हो चुके थे मीन्स एक्सपायर हो गए थे वो राइट आंसर है ट्वेंटी फाइव ईयर्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वैन डिड किड्स डाई किड्स कब डायर्ड हुए थी फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1821 1821 में ये डायर्ड हो गए थे क्वेश्चन नंबर थ्री जॉन किड्स डाइड ऑफ जॉन किड्स कैसे मरे थे इनकी मौत कैसे हुई थी मींस, ऑप्शन नंबर बी इज राइट कंजम्पशन से इनकी मौत हुई थी किड्स की मौत कंजम्पशन से हुई थी या बोल सकते हो आप ट्यूबक्लोसिस ट्यूबर क्लोसिस बीस का रीजन था इनकी मौत का तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जॉन किड्स वॉज है जॉन किड्स क्या थे जॉन किड्स एक हेलोस्टिक बर्ड थे बर्ड के नाम से इनको जाना जाता है नेक्स्ट हु इज़ नोन फॉर हेलनिक स्प्रिट ऑफ इन हीज़ पोएट्री अपने पोएट्री में हेलनिक स्प्रिट के नाम से कौन जाने जाते हैं तो आंसर होगा ए किड्स जाने जाते हैं ये हेलनिक स्प्रिट के नाम से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स वॉट इज हेलनिज्म दैट वी फाइंड इन किड्स पोएट्री जो ये हेलनिज्म में किड्स की पोएट्री में पाया जाता है क्या होता है ये तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट किड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ क्रीक आर्ट एंड कल्चर कीट्स ने जो ग्रीक आर्ट और कल्चर का जो वर्णन किया है उसे ही हेलनेस बोलते हैं और ये इसकी इनकी काव्यात में पाया जाता है इनकी पोइट्री में नेक्स्ट द ओड ऑफ किड्स आर जो किड्स के ओड है वो क्या थे इन्होंने रेगुलर ओड्स लिखे हैं ऑप्शन नंबर ए इज राइट क्वेश्चन नंबर एट द ईयर वॉज कलमेटिंग पॉइंट इन किड्स करियर जो किड्स के करियर का कलमिनेटिंग पॉइंट था मीन्स जो ऊंचाई जब छूई इन्होंने अपने काव्य पोट्री में तो वो कौन सा ईयर था एटीन नाइनटीन में इन्होंने का जो पोट्री थी वो काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट क्वेश्चन नंबर नाइन हो रोटे फेमस पास्ट पास्टोरल एलजी एडोनिस ऑन द डेथ ऑफ किड्स किड्स की डेथ पर एक एडोनिस लिखी गई थी किसने लिखी थी ये शैली ने लिखी थी, ने लिखी थी ने इनकी मौत पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टेन शैलिज एलेजी एडोनिस इज ए त्रिनोडी रिटर्न ऑन माउंड दफलिया एलेजी लिखी थी Adonis, ये एडोनियस ये किसकी मौत पर लिखी थी तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट जॉन किड्स की नेक्स्ट विच वॉल्यूम ऑफ पोइट्री बाय किड्स कॉन्टेंट द पोएम हाईप्रियन हाईप्रियन कौन सी किड्स की कौन सी वॉल्यूम पर के कौन से वॉल्यूम में पाई जाती है सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट थर्ड वॉल्यूम में ये केक थी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन शैली वॉज डीपली इम्प्रेस्ड वन ऑफ किड्स पोएम्स दैट ही रोड टू किड्स आस्किंग हिम टू विजिट पिजा वेयर ही वॉज स्टेइंग शैली जो थे वो बहुत ही इम्प्रेस हुए थे किड्स की पोम से जो उन्होंने लिखी थी दैट ही रोड टू किड्स आस्किंग हिम टू विजिट पिज़ा वेर ही वाउ स्टिंग जब उन्होंने किड्स को विजिट करने के लिए बोला था पिज़्ज़ा में जहाँ पर वो रह रहे थे तो कौन सी पोइम थी फ्रेंड्स वो पोएम थी हाइप्रियन हाइप्रियन पोएम थी जिससे शेली के किड्स के काफ़ी डीपली इम्प्रेस्ड हुए थे इससे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डू वी एसोसिएट द पिक्टोरियल क्वालिटी ऑफ पोएट्री इनमें से कौन से कवि थे जिनकी पोएट्री में पिक्टोरियल क्वालिटी पाई जाती है तो फ्रेंड्स वो कीट्स थे ऑप्शन नंबर बी इज राइट कीट्स ने अपनी पोएट्री में पिक्टोरियल क्वालिटी को दिखाया है उन्होंने। नेक्स्ट वॉट इज जॉन कीट्स फर्स्ट वर्क जॉन कीट्स का जो पहला वर्क था वो कौन सा था सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑन लुकिंग एट चैपमैन होमर इनका पहला वर्क था देखते नेक्स्ट विच इज़ द लास्ट वर्क ऑफ जॉन किड्स जॉन किड्स का लो लास्ट वर्क था वह कौन सा था ऑप्शन नंबर ए इज राइट ब्राइट स्टार ब्राइट स्टार इनका सबसे लास्ट वर्क था किड्स ड्रॉप द फर्स्ट स्टांजर्स ऑफ और वन ऑफ हिज ओड्स इट वॉज फ्रॉम किड्स ने जो है अपना पहला स्टांजा कौन सी ओर्ड्स से था, it was to melancholy. Melancholy लिया था इट वॉस फ्रॉम टू मेलन कॉलेज मेलन कॉलेज से उन्होंने लिया था नेक्स्ट टू होम किड्स एडवाइज इन हिज लेटर कि इनमें से किस को कभी किड्स ने अपने लेटर में सलाह दी थी यू आई एम श्योर विल फॉर गिव मी फॉर सिंसियरली रिमार्किंग दैट यू माइट कर्ब योअर मैगनेमिटी एंड बी मोर ऑफ एन आर्टिस्ट एंड लोड एवरे रिफ्ट ऑफ योअर सब्जेक्ट विद और जी ये थे फ्रेंड्स शेले हु हीज लेटर टू जॉन हेमल्टन रेनोड्स वी हेट पोएट्री दैट हैज़ ए पैल्पेबल डिजाइन अपनस किसने अपने लेटर में लिखा था जॉन हेमल्टन को कि वी हेट पोएट्री दैट हैज ए पेल्पेबल डिज़ाइन अपोनस हम ऐसे पोएट्री से नफरत करते हैं जो सो फस्ट डिज़ाइन छोड़ती हैं हम पर तो फ्रेंड्स जॉन कीट्स हैं तो फ्रेंड्स ये जॉन कीट्स हैं ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट नेक्स्ट हुज पोएट्री शुड सरप्राइज बाई ए फाइन एक्सेस एंड इफ पोएट्री शुड कम नोट एज नेचुरली एज द लीव्स लिवस टोएट्री इट हैड बेटर नोट कम एट मेटोल किसने कहा था पोएट्री शुड सरप्राइज बाई ए फाइन एक्सेस पोएट्री को जो है सरप्राइज होना चाहिए फाइन एक्सेस एंड इफ पोएट्री शुड कम नोट एज नेचुरली एज द लिव्स ऑफ टोएट्री कि यदि अगर पोएटरी किसी को ऐसे नहीं आती नेचुरली जैसे एक पेड़ पर पत्ती आती है तो इट हैड not नोट कम all तो इससे अच्छा बैटरी है कि ना आए फ्रेंड्स ये जो स्टेटमेंट थी किड्स की थी नेक्स्ट हु सेट ए पोर्ट इज द मोस्ट अनपोइटिकल ऑफ एनी थिंग इन एग्जिस्टेंस बिकॉज ही हैज़ नो आइडेंटिटी ही इज in इन फोर एंड some सम अदर बॉडी ये भी किड्स ने बोला था नेक्स्ट देखते हैं हुर एंड द पैराडाइज लोस्ट become बिकम ग्रेटर to आई लुक अपॉन फाइन फ्रेजेस लाइक ए लवर ये भी किसने कहा था ये भी इसका भी आंसर किड्स है ये भी किड्स ने बोला था कि शेक्सपियर और पैराडाइज लॉस्ट दिन प्रतिदिन ग्रेटर वंडर मी मुझे ज्यादा आश्चर्यचकित करते जा रहे हैं आई लुक अपॉन फाइन phrases लाइक ए लवर और मैं इसमें बहुत ही अच्छे प्रेजिस्ट देख रहा हूँ एक प्रेमी की तरह नेक्स्ट देखते हैं आपका हुस इफ आई शुड डाई आई हैव नो इमोटल वर्क बिहाइंड मी कि यदि मैं मर जाऊँ तो आई हैव लेफ्ट नो इमोटल वर्क बिहाइंड मी तो मैं अपने पीछे कोई भी इमोटल uh, वर्क नहीं छोड़ सक पाऊँगा नथिंग टू मेक माई फ्रेंड्स प्राउड ऑफ माई मेमोरी और मेरे फ्रेंड्स को मुझ पर प्राउड करने के लिए कोई याद भी नहीं होगी बट आई हैव लव द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन ऑल थिंग्स किंतु मुझे प्यार है फॉर जो वस्तुएँ होती हैं उनमें सब सुंदरता की जो होती है मुझे उनसे सभी से प्यार है एंड आई हैड टाइम आई वुड हैव मेड माई सेल्फ रेमबैम्बर्ड और मेरे पास टाइम है कि मैं अपने आप को यादगार बना सकता हूँ ये किड्स ने बोला था इन्हें लेटर टू फैनी की बिल आउट थी प्रेमिका थी इनकी इनको एक लेटर लिखा था इन्होंने उसमें स्टेटमेंट दिया था नेक्स्ट देखते हैं हु राइट इन ए लेटर टू हिज ब्रदर जॉर्ज एंड टॉम किड्स ऑन थर्ड ट्वेंटी फर्स्ट डिसम्बर एटीन सेवनटीन शेक्सपीर पोजस्ट सो एनोमसली आई मीन नेगेटिव कैपेबिलिटी दैट इज वैन मैन इज कैपेबल ऑफ बींग इन अनसर्टेनिटीज विदाउट एनी इचिंग आफ्टर फैक्ट एंड रीजन ये स्टेटमेंट भी स्टेटमेंट का, किड्स का, का ही है Friends, जब इन्होंने लेटर लिखा ले था अपने ब्रदर जॉर्ज को एंड टॉम किड्स को नेक्स्ट देखते हैं डर टोम नेक्स्ट द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी इज गिवन बाय जो नेगेटिव कैपेबिलिटी है ये किसके द्वारा दिया गया था तो ये भी फ्रेंड्स जॉन किड्स के द्वारा किया दिया गया था ये क्वेश्चन बार बार हर एग्ज़ाम्स में रिपीट होता ही रहता है काफ़ी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पुटअप किया गया है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हु रोट इन ए लेटर टू जी एच रेनोल्ड्स एड माई मी आई एम एम वॉलेट डोट डोंट अपोन मी आई एम ए प्रीमरोज किस ने अपने लेटर में लिखा था जे एच रोनोलॉल्ड्स को एडमायर मी मेरी प्रशंसा करो आई एम ए वॉलेट डोंट अपोन मी आई एम ए प्रिमरोज फ्रेंड सी वी किड्स ने लिखा था ऑप्शन नंबर है ए इज राइट नेक्स्ट आई कैन नॉट सी वॉट फ्लावर्स आर एट माई फीट इज़ ए लाइन फ्रॉम ये लाइन फ्रेंड्स और टू मेलन को ले से ले गई है आई कैन नॉट सी मैं नहीं देख सकता वट फ्लावर्स आर एट माई फिट कौन से फ्लावर मेरे पैरों में हैं नेक्स्ट द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम पिलोड अपॉन माई फेयर लवस राइटनिंग ब्रेस्ट टू फील फॉर आवर इट्स सॉफ्ट फॉल एंड स्वेल ये ब्राइट स्टार की लाइने हैं फ्रेंड्स और ये इनका लास्ट वर्क था नेक्स्ट विच ऑफ किड्स द फॉलोइंग लाइन्स हेयर मेलोडीज आर स्वीट बट स्वीटर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कई बार पूछा जा चुका है ये एग्जाम्स में ये है ऑडोने ग्रेशन अंड से ली गई लाइन है ये नेक्स्ट देखते हैं द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्राम ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज़ ब्यूटी दैट इज ऑल ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ये नोट टू नो फ्रेंड्स ये भी ऑड ऑन एक्ट रेस्टोर से ली गई लाइने हैं इसका भी ऑप्शन नंबर ए ये सही होगा इन विच ऑफ इज ऑर्ड डू आई वेक और स्लीप, क्या मैं जागता हूँ या सो रहा हूँ लाइने हैं डू आई वेक और स्लीप नेक्स्ट हु सेट माई हार्ट एक्स एंड ड्राउसी नमने स्पिन किसने बोला था ये ये भी ड्स ने बोला था माई हार्ट एकेस एंड ए ड्राउस नेक्स्ट द फॉलोइंग दस आर टेकन फ्रॉम इट इज द द फर्स्ट दैट फर्स्ट इन ब्यूटी शुड बी फर्स्ट इन माइट ये कौन सी पोइम किस से ली गई थी लाइने जो थी तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ए, है ए ए विजन इससे लाइनें ली गई थी हाई प्रिंट से ऑप्शन नंबर ए इज राइट नेक्स्ट देखते हैं द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस ये एंडमिन से ली गई है लाइने नेक्स्ट एलोंग रोमेंस एंड टाइटल एडमिन इज रिटन बाई किड्स किड्स के वर्क है ये एंडमिन एंडमिन बाय किड्स इज़ द स्टोरी ऑफ ए यंग शेफर्ड लव्ड बाय द मून गोडेस किड्स टुक द स्टोरी फ्रॉम किड्स ने ये जो स्टोरी है कहाँ से ली है ये ग्रीक मैथोलॉजी से ली गई स्टोरी है जिसमें किड्स इज द स्टोरी ऑफ यंग शेफर्ड जो एंडमिन है ये एक यंग सेफर्ड की स्टोरी है जिसको लव्ड बाई मून गोड्ड जो है प्यार करती है ग्रीक मैथोलॉजी से दी गई है स्टोरी नेक्स्ट विच वर्क वॉज डिस्क्राइब्ड बाई किड्स एज ए फेवरेस्ट अटैम्प्ट ऑप्शन नंबर ए इज राइट एंड डिन नेक्स्ट किड्स वर्क वर्क्रिटिसाइज्ड इन द मैगजीन किसकी मैगजीन में किड्स के वर्क क्रिटिसाइज हुए थे ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट ब्लैकवुड्स मैगजीन एंड द क्वार्टरली रिव्यू में उनके वर्क से क्रिटिसाइज हुए थे नेक्स्ट हु सेट हैड फ्लिंट एंड आयरन इन हिम किसने कहा था कि किड्स में फ्लिंट एंड आयरन है फ्रेंड्स ए इज राइट मैथ्यू अर्नोल्डो ने स्टेटमेंट दिया था नेक्स्ट हु सेड अबाउट किड्स ही इज विद शेक्सपियर कि उस शेक्सपियर के साथ है किसने कहा था किड्स के बारे में ये मैथ्यू अर्नोल्ड ने ही कहा था उनके बारे में हु सेड किड्स वॉज ए ग्रीक किड्स से ग्रीक है ये किसने बोला था फ्रेंड्स यहाँ शैली ऑप्शन से हो जाएगा शैली ने इनको ग्रीक बोला था दैट किड वो से ग्रीक नेक्स्ट हु कॉल्स किड्स वन ऑफ द इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रिनाउन फ्रेंड इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका भी शैली ने किड्स को बोला था ये हु सेड ए बर्ड इज एबली एंड एंचस सो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट मैथ्यू नॉल ने कहा था ये नेक्स्ट किड्स फिल्म ला बेलडम्सन स्मर्सीज ए बैलेड, बैलड सेंस मर्सी ये एक बैलेड है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होम डिड किड्स राइट किड्स ने किसको लिखा था आई थिंक आई शैल बी अमंग द इंग्लिश वर्ड्स आफ्टर माई डेथ कि मैंने मुझे लगा कि मैं मेरी मौत के बाद भी इंग्लिश काव्यों में रहूँगा इनके बीच में सो ऑप्शन नंबर है इज राइट हिज ब्रदर जॉर्ज ने किड्स के बड़े भाई थे जॉर्ज एफ स्कॉट फिट्स फिट्सर लेट वॉज ए ग्रेट एडमायर ऑफ द पोएट्री ऑफ जॉन किड्स सो मच दैट ही नेम्ड वन ऑफ नोवेल नोव इज द नाइट विद द लाइन फ्रॉम वन ऑफ द पोएम्स ऑफ किड्स विच अपॉन सॉरी विच पोएम वॉज इट कौन सी पोएम थी और टू एन और टू नाइट एंगल थी ये पोएम नेक्स्ट देखते हैं विथ सोनेट फ्राम किड्स अडोप्टड कौन से सोनेट को किड्स ने अडोप्ट किया था ये इटालियन फॉर्म को सॉरी सोनेट की फॉर्म होती है ये इटालियन फॉर्म इसको इन्होंने अडोप्ट किया था अपने सोनेट्स में नेक्स्ट किड्स रिटायर्ड इन रोम इन द आर्म्स ऑफ इस फ्रेंड किड्स जो थो रोम में डायर्ड हुए थे और अपने एक दोस्त की भुजा बाहों में इन्होंने दम तोड़ा था तो ये कौन से थे ये थे सेवन नेक्स्ट विच ओड ऑफ किड्स इज इनकम्प्लीट कौन सा जो ओड था इनकम्प्लीट रह गया था इनका था ओड टू माया इनका ओड इनकम्प्लीट अनकम्प्लीट रह गया था ये नेक्स्ट ऑन आर हुर दर्ड्स एंड्रेव्ड एस एविटाफ हेयर लाइव वन हुज नेम वॉज रिटिन वॉटर यहाँ उसकी कबर है जिसका नाम भगवान ने भी पानी पर लिखा है किसकी कबर पर लिखा गया था ये किड्स की नेक्स्ट द अदर टाइटल ऑफ किड्स ऐसावेलाइज द पोर्ट ऑफ़ बेसिल ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट पोर्ट ऑफ बेसिल इसका अदर नेम है इसाविल का द स्टोरी ऑफ द इज टेकन फ्रॉम कहाँ से ली गई है टेकन इसकी इसाविले की स्टोरी जो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट बु कैश से ली गई है बु के टैकामोरन से स्टोरी ला के लिए गई है नेक्स्ट किड्स लामिया स्पेस टोन किड्स के जो लामिया है वो किए ये किस पर आधारित है द एनाटॉमी ऑफ मेलनकोली द एनाटॉमी ऑफ मेलनकोली पर आधारित है ये नेक्स्ट ट्विच ऑफ दिस इज नॉट अ वर्क बाय जॉन किड्स जॉन किड्स के द्वारा कौन सा वर्क नहीं है इनमें से तो यह पहन टू नाइट टू नाइट इनका वर्क नहीं है द पोर्ट ऑफ और एंड बेसिलेला तीनों ही किड्स के वर्क हैं बट टू नाइट इनका वर्क नहीं है नेक्स्ट विच ऑफ इस वर्क रेफर टू एस ए ट्रायल ऑफ माय पावर्स ऑफ इमेजिनेशन कौन से अपने वर्क में किड्स ने रेफर किया है ए ट्रायल ऑफ माई पावर्स ऑफ इमेजिनेशन ऑप्शन नंबर इज राइट एंडीमियन नेक्स्ट जॉन विल्सन क्रोकर रोट ए हार्स रिव्यू इन द अप्रैल 1818 एटीन एडिशन ऑफ द क्वार्टरली रिव्यू टू क्रिटिसाइज जॉन विल्सन क्रोकर ने रोट लिखा था हार्श रिव्यू एक बहुत ही कठोर रिव्यू दिया था अप्रैल 1818 में एडिशन ऑफ द क्वार्टरली रिव्यू टू क्रिटिसाइज दो क्वार्टरली रिव्यू में क्रिटिसाइज़ किया था तो ये था किड्स का एनडी किड्स की जो एंडिवेंट थी इसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया था बहुत ज्यादा जोन गिब्सन लॉक हार्ट वॉट इन ब्लैकवुड्स मैगजीन डिस्क्राइबिंग ए वर्क ऑफ किड्स एज इम्परटल इम्परटेबल ट्रैवलिंग विदिंग सरकार इट इज ए बेटर एंड एडवाइजर थिंग टू बी ए स्टार्व एपिथोग्राफ दैन ए स्टार्व पोइट सो बैक टू द शॉप मिस्टर जॉन बैक टू प्लास्टर एंड ऑइंटमेंट बॉक्सिस दर्क बॉस कौन सा वर्क था ये जिसमें जॉन गिब्सन लोक हार्ट ने अपने ब्लैक वुड्स मैगजीन में लिखा था इसको तो ये वर्क था एंड इनका वर्क था ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच मैगजीन कॉन्ट द डिफेमेट्री टर्म द कोकनी स्कूल फॉर हंट एंड हिज सर्कल विच इंक्लूडेड बोथ एंड किड्स इसका ऑप्शन नंबर ए सही है लॉकहार्ट हार्ट इंड ब्लैक मैगजीन कौन सी मैगजीन थी जो कोकनी स्कूल्स के नाम से डिफेमट्री डिफेमेट्री हुई थी उस फोर हंट एंड सर्कल फ्रेंड्स ये जो कोकनी स्कूल है इसमें थ्री बर्ड्स थे ये हंट सोले हंट थे किड्स और हेसलेट थे ये इसमें तीनों ही बर्ड्स थे इनको कोकनी स्कूल के नाम से जाना जाता था नेक्स्ट स्टेप

अनफिट फॉर लेडीज तो वर्क वॉज फ्रेंड इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा सेंट एजेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु हुडीमेन कौन था तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हो जाएगा द प्रिंस शेफर्ड्स प्रिंस ऑफ माउंट लेटमोस नेक्स्ट किड्स एंड इज डेडिकेटेड टू थॉमस चैटरडन जो किड्स का एंडीमैन था ये थॉमस चैटर्डन को डेडिकेट किया हुआ था इन्होंने नेक्स्ट वाइल रोडिंग एंडियम हुज इन्फ्लुएंस कैन वी सी ऑन किड्स जब हम एंडीमेन पढ़ रहे होते तो, होते हैं तो किसका प्रभाव हमें किड्स पर देखने को मिलता है तो ये स्पेंसर का है ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट स्पेंसर का हम कौन पर प्रभाव देखने को मिलता है नेक्स्ट जेम्स हेनरी लेहड्स हु रोट ए पोएम अबाउट बेन एडम वॉज द फर्स्ट टू इनफ्लुएंस क्रिक्स टू रिकगनाइज टॉय वर्कस ऑफ किड्स ऑप्शन नंबर बी इज राइट नेक्स्ट इन विच पोएम किड्स यूज द स्टार इमेजरी कौन सी पोएम है जिसमें किड्स ने स्टार इमेजरी यूज़ की है तो ये फ्रेंड्स ब्राइट स्टार है आप देख रहे हैं इसमें भी स्टार आ रहा है और इसमें भी स्टार आ रहा है तो पहचानने में भी आपको ईजी रहेगा ये नेक्स्ट इन ओड टू साइजे साचेज लव्ड बाई इनका ये ओड है ओड टू साइजे इसमें जो साइजे है वो उसके प्रेमी का कि प्रेमी कौन था उसका एरोज सो फ्रेंड इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये सीरीज आज की पसंद आई होगी जोन किड्स के कुछ एमसीक्यूज़ हमने आपको कराए हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें थैंक यू